इहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू इहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है शहीद ज़िंदा जिंदावा करते हैं शहीद की तारीख हमें याद होनी चाहिए एक आज ऐसे ही अजीम शहीद का जिक्र हम करने वाले हैं उनका नाम है शहीद हाफिज उमर मुختار शहीद हाफिज़ उमर मुख्तार लीबिया पर इटली के कब्जे के खिलाफ तहरीक मजामत के मरूफ रहनुमा थे व अठारह सौ बासठ में जंजोर नामी गाँव में पैदा हुए उन्होंने उन्नीस सौ बारह में लीबिया पर इटली के कब्जे के खिलाफ अगले बीस साल तक तहरीक मजामत की क्यादत की अक्टूबर उन्नीस सौ ग्यारह में इटली के समंदरी जहाज लीबिया के साहिलों पर पहुंचे इटली बेड़े के लीडर फाराफेली ने मुतालबा किया कि लीबिया हथियार डाल दे अगर नहीं डालते हैं तो और भी शहर तबाह कर दिए जाएंगे हालांकि लीबियाई अवाम ने शहर खाली कर दिया लेकिन इटली को हर सूरत में हमला करना था और इन्होंने तीन दिन तक त्राबल्स पर बमारी की और उस पर कब्जा कर लिया यहीं से इटली काबिज फौजों और उमर मुख्तार के लीडरशिप में लीबियाई फौजों के दरमियान जंगों का सिलसिला शुरू हुआ उमर मुख्तार जो हाफिज कुरान है लिहाजा ऐसे हाफिज़ों को वाकई सलाम करने को दिल करता है हाफिज़ कुरान है सहराई इलाक़ों में बखूबी वाकिफ़ थे और वहाँ लड़ने की हमत अमली को भी खूब समझते थे इन्होंने इलाकई जगराफिया के बारे में अपनी मालूम का इटली फौजियों के ख़िलाफ़ बर्फ भरपूर फ़ायदा उठाया व अक्सर छोटी छोटी टोलियों में इटली फ़ौज पर हमला करते और फिर जंगलों में गायब हो जाया करते थे उनके अधिकतर हमत अमली चौकियों फ़ौजी काफ़िले को निशाना बनाती थी और खाने पीने के सामान और संदेश और आवागमन को काटती थी उमर मुख्तार की लीडरशिप में मज़ाहमती तहरीर तहरीक को कमज़ोर करने के लिए इटली ने नई चाल चली और मर्दों औरतों और बच्चों को क़ैद खानों में बंद कर दिया और उन पर हर तरह की तकलीफ देने लगे जिसका मकसद यह था कि मजीद लिबियाई बाशिंदे उमर मुख्तार की मजामती तहरीक में शामिल होने होने से रोका जाए उन कैंपों में तकरीबन एक लाख पच्चीस हज़ार वहाँ के शहरी को कैद किए गए थे जिनमें से दो तिहाई शहीद हो गए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैद करने के बावजूद उमर मुख्तार की तहरीक रुकी नहीं बल्कि उन्होंने अपने मुल्क रवाम की आज़ादी के लिए मसला जद्दोजहद जारी रखी उमर मुख्तार की 20 साल जद्दोजहद उस वक्त खात्मे को पहुंची जब वह एक जंग में जख्मी होकर इटली फौज के हाथों गिरफ्तार हो गए उस वक्त उनकी उम्र सत्तर साल से ज्यादा थी इसके बावजूद उन्हें भारी जंजीरों से बांधा गया पैरों में बेड़ियां डाली दी डाली गई उन पर तशद करने वाले फौजियों ने बाद में बताया कि जब उन्हें तशद का निशाना बनाया जाता था तपशीश की जाती थी तो आंखों में आंखें डालकर कुरान मजीद की आयत तिलावत किया करते थे उन पर इटली की बनाई हुई एक फौजी अदालत में मुकदमा चला गया और सजाए मौत सुना दी गई तारख़दा और दानश्वर उन पर आयत मुकदमे और अदालत की गैर जानबदारी को शक की निगाह से देखते हैं और उन्हें

क्टर मुस्तफा अकाद ने अकाद थे फिल्म उमर मुख्तार का किरदार एंथनी कोईद ने अता किया था सहर, सहरा के शेर उमर मुख्तार पर जो हॉलीवुड की फिल्म बनी थी इस फिल्म को लीबिया की हुकूमत हु, मोम्मी ने उसे फाइनेंस भी किया था मुतहदा अमलखात लिबिया कहा जाता था 24 दिसंबर उन्नीस को आज़ादी के बाद वजूद में आई और मोहम्मद गद्दाफी की फौज बगावत तक यानी 1 सितंबर उन्नीस तक कायम रही लिबिया के बादशाह दरीस अवल की मंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया लिबिया अरब जमहूरिया का क्या अमल में आया ये थी शहीद उमर मुख्तार के मुख्तर तारीफ तारीख आप देखते रहिए इतिहाद न्यूज शुक्रिया अल्लाह हाफिज़